ये एक मेरे फ्रेंड का फेवरेट शॉप है, विक्टोरिया सीक्रेट। ये बेली, यहाँ से कुछ शॉपिंग भी की है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ देव पटेल एंड करंटली ए फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। जैसे कि मैं आज तोम्स आया हूँ क्योंकि हमारी एक बैच आई थी साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तो फिर मैं उनका हॉस्टल विज़िट करूँगा, फिर कल मैं उनके यूनिवर्सिटी विज़िट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हॉस्टल है जो ऊपर वाला दिख रहा है, एकदम प्राइम लोकेशन पर हॉस्टल है ये। तो चलो अंदर चलते हैं, हम देखते हैं। सो लेट्स गेट इन। थर्ड और फोर्थ फ्लोर इंडियन का है, सो लेट्स गो। यहाँ पे गार्ड बैठे हैं। प्रीवियत शर्मा दी बेचारे। जैसे कि आप देख सकते हो, थर्ड फ्लोर तो आ गए हैं, फोर्थ फ्लोर हम जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो फोर्थ फ्लोर। जैसे हम हॉस्टल में एंटर करते हैं, पहले एक यहाँ पे मिरर है, फिर यहाँ पे देखोगे तो एक लॉन्ड्री रूम है। पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे लॉन्ड्री रूम में। दिस आर द टॉयलेट फॉर मेन, क्लीन है एकदम, रोज सफाई होती है। एंड यह है दो शेरिया, ये भी रोज़ दिन में दो बार क्लीन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर हम मेस के तरफ चलते हैं, देखते हैं इंडियन फूड है, अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर राइस रखे हुए हैं, राजमा ख़त्म हो गए हैं, और ये रोटी। यहाँ पर फ्रिजेस, सब कुछ अवेलेबल है, एकदम क्लीन है अभी तो। चलो किचन एरिया चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडियन मसाले, बिस्किट्स, वो सब रखा गया है। और ये है इंडियन कुक्स से हेलो, नमस्ते नमस्ते। देख सकते हो क्लीन है। मैं रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी गया हूँ, मेस देखे हैं, पर यहाँ का मेस क्लीन है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे खाना जब रेडी होता है तब लग जाता है, बुफे टाइप सिस्टम है, चाय वगैरह सब कुछ। स्पून्स, प्लेट्स अभी लग जाएगी धीरे धीरे, खाना बन रहा है। और यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स अपना फूड भी इंटेक करते हैं। बढ़िया है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। तो गाइस अभी हम आपको हॉस्टल भी दिखाएंगे। गाइस अभी हम थर्ड फ्लोर पे आ गए बॉयज़ के रूम में, ये सारे गुजरात से हैं। सो गाइस से हेलो, बद्दा क्या थी छो? गुजरात। तो क्यों लागे छे साइबेरियन में तमने? मजा आवे छे। खावा पीवानू केवू छे अहींया? બાકી યુનિવર્સિટી નું કોઈ રિવ્યુ આપી દો, કોઈ સારું એવું કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કહો। યુનિવર્સિટી તો સારી છે, બસ રીજન થોડો ઠંડો છે, પણ ઓકે સાઇબેરિયન રીજન છે તો થોડો ઠંડો રહેશે। બાકી જેકેટ્સ ને બધું પરફેક્ટ? હા પરફેક્ટ। બાકી ફૂડ? ફૂડ પણ સરસ છે। આપણી જો લાઇબ્રેરી છે, લાઇબ્રેરી માં બધું પરફેક્ટ વર્ક છે આપણી જો? લાઇબ્રેરી પણ પરફેક્ટ વર્ક, 24/7 ખુલ્લી હોય છે। બરાબર। અને આપણા દોસ્ત નું શું છે અત્યારે નાવા માટે નું? એટલે શું કે ગરમ પાણી આવે છે કે નથી આવતું? ગરમ પાણી બી 24/7 હોસ્ટેલ માં પ્રોવાઇડ થાય છે। બસ ઓકે, ચલો થેન્ક યુ સો મચ ગાઈસ। અભી હમ હોસ્ટેલ કી તરફ ચલ રહે હૈ। યહાં પે લાઇટ્સ ચેક કરને પડેંગે, લાઇટ્સ કહાં હૈ। जैसे कि मैं व्लॉग्स में आपको एकदम रोची से दिखती है, सो आप देख सकते हो। मैं एक आपको गर्ल्स का रूम दिखाता हूँ, 401।
यहाँ पे सारे पढ़ रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो तो आप? हम सब अच्छे हैं। मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको? सब बढ़िया है यहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। ओके, बाय 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 बाय। मैं आपको और एक रूम दिखाता हूँ। ये तो दूसरे रूम था, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। अब हम 400 सीने चलते हैं। ये एक डॉर्मेटरी टाइप का रूम है। यहाँ पर बहुत सारे बेड है, 1, 2, 3, 4। इट्स गुड। गाइस, मैं फिर एक एक बच्चों का इंटरव्यू भी लूँगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। सो गाइस, हमने बहुत कुछ खाया पिया, बहुत बैठे, कुछ काम की बात भी की, तो सरप्राइज है। सो स्टे अपडेटेड फॉर द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हमने बहुत कुछ